साइलाकुंड क्षेत्र के पोषाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको लेकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की जानकारी दी। हमारे साथ हैं जिला मैनेजर, उनसे बात करेंगे। जी बताएं, ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कार्यशाला हम लोग इसलिए किए कि किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की समुचित जानकारी मिल सके कि इसकी कब इसका बीमा कब तक, जैसे 31st लास्ट डेट है, 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। उसके पहले अपने जा करके वो बैंक में जा करके वो चेक करा लें कि हमारा जो फसल का बीमा कटा है वो सही कटा है कि गलत कटा है। मेन जानकारी ये देनी थी उनको कि गलत ना हो, ताकि क्लेम में कोई प्रॉब्लम ना आवे। ये बीमा कहाँ कहाँ करवा सकते हैं? ये बीमा बैंक से करा सकते हैं, CSC सेंटर से करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से करा सकते हैं, और प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो साइट है OPMABY की साइट पर जाके खुद बीमा कर सकते हैं। ये कुछ किसानों ने बताया कि मैं फसल बीमा नहीं मिला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो उनको नहीं मिला उसमें हमको देखना पड़ेगा कि उनको क्यों नहीं मिला, उनका एप्लीकेशन नंबर क्या था, उन्हें कौन से फसल का लगाया था और किस फसल का क्लेम उन्होंने किया था। वो सब्जी जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये तो हमारे साथ जिला मैनेजर राघवेंद्र सिंह जी, इन्होंने बताया कि फसल बीमा को लेकर हमने जानकारी दी है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, और जिन किसानों को फसल बीमा नहीं मिला है उसकी हम जानकारी कर अवगत करा दिया जाएगा। कैमरामैन जे आर परियार के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साइला, जालौर। आज का जो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्यशाला, ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला पोषणा में रखी गई थी, जिसमें साइला ब्लॉक के विभिन्न गांवों के किसान यहां पधारे। इनको अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो बीमा कराने की जो अंतिम तारीख है 31 दिसंबर, इनके बारे में बताया। और इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र केशवनाथ से पधारे, इन्होंने पशुपालन और मौसम विभाग की जानकारी दी। इसके अलावा कृषि विभाग की जो जिनकी जितनी भी स्कीमें चल रही है इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। इसके अलावा सभी किसान भाइयों को इसके बारे में यही बताया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कराएं, जो भी आपके पॉलिसी में कोई भी दिक्कत है तो हमें बताएं, हम इनका उचित निस्तारण करेंगे। धन्यवाद। ये थी 2021 का रबी फसल का अपने क्लेम, नुकसान हुआ था लेकिन कलम मिला नहीं, इसके लिए मैंने शिकायत दी और सबको भी अवगत कराया, नायब साहब को भी अवगत करवाया। कितने किसानों को नहीं मिली? पूरे सुरैना ग्राम की अपने 2-3 गांवों की और है, और उनको नुकसान किसी को नहीं मिला, एक को किसान को भी नहीं मिला, और दूसरा पूरा नुकसान हुआ था, दूसरी सब पंचायतों में मिला, पूरे राजस्थान में मिला, लेकिन हमारे शहर 5 ग्राम पंचायतों में नहीं। उसके पीछे कारण क्या रहा? अभी अभी कहा है कि हमें शिकायत लिख के दी, हम उसका समाधान करेंगे, ये आश्वासन दिया। पंचायत बिराणा और धनाणी खेड़ा, इसमें भी 2016 से 17, 18, 19, 20, 21 कोई बीमा नहीं मिला है, किसी भी किसान को नहीं मिला, नहीं किसी को भी नहीं। क्या कारण रहा नहीं मिला वो तो हमें क्या पता, अभी लिखित में दिया है तो उसका समाधान करेंगे। अच्छा, आपने को फायदा मिल सके, आपकी खरीफ फसल भी गई अच्छी रही इस बार, जिन लोगों के खरीफ फसल में खराबा हुआ है कई जिलों के अंदर, उनको इंश्योरेंस कंपनी के अच्छे फायदे मिले। और आप लोग तो रबी की फसल में भी देख रहे हैं, खरीफ में भी देख रहे हैं, अपने बैंकों के अंदर जो भी पैसे बीमा कंपनी आते हैं आपको खुद को पता है। सायला क्षेत्र अपने आप में बहुत ज्यादा बीमित क्षेत्र है, क्योंकि सभी बैंकों से ऋण लेते हैं हम, तो अपना बैंक वैसे भी ऋण काट लेता है, जो इंश्योरेंस के पैसे वैसे भी काटता है। अपने को सबसे बड़ी चीज मेरे हिसाब से ध्यान रखने की होती है कि जिस फसल को अपन बो रहे हैं उसी फसल का बीमा हो। एक बार ये प्रॉब्लम आती है कि आपने बीमा तो बैंक ने काट दिया, बजाज एलायंस, और बहुत जैसा कि साल में 2 फसल होती है, रबी और खरीफ, तो किसान भाई और इसका जो प्रीमियम है रबी और खरीफ का, रबी में मात्र 1.5% और खरीफ में 2%, बहुत कम प्रीमियम पे आपका बीमा किया जाता है। और फसल के बुआई से लेकर कटाई तक, यहाँ तक कि कटाई के 14 दिन बाद तक कोई भी नुकसान हो जाए, हमारे किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वो अपना क्लेम आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि हम बीमा कहाँ कहाँ से करवा सकते हैं। आप बैंक के माध्यम से भी करवा सकते हैं, जो हमारे लोनी किसान भाई है, नॉन लोनी भाई है, जो वो CSC सेंटर कामन
जो सर्विस सेंटर होते हैं वहां से करवा सकते हैं, ई मित्र से, पोस्ट ऑफिस से भी करवा सकते हैं, और कुछ किसान